कॉलेजेस लग रहे हैं, तो इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं आप जो यहाँ पे लोग आएंगे, ये आपसे एक सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना। बट कॉमन पीपल, पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ हैव डिफरेंट क्वेश्चंस टू आस्क, एंड समटाइम्स द इजीएस्ट वन ऑफ देम और द यंगेस्ट वन ऑफ देम और द स्वीटेस्ट ऑफ द पीपल हु आर गोना आस्क यू कैन कंप्लीटली स्टंप यू। सो दिस program is going to start on air sometime in March. I'm not supposed to reveal all the details. I've been warned by Siddharth and by Puneet. But I have decided ki hum aapke saath yahi se kuch gine chune logon ke saath thoda sa khel khel lenge to aap bhi khel samajh jayenge aur ye pehli meri bhi rehearsal ho jayegi. To please humne bilkul ye commonly start kiya hai ki jo host hai show ka jo kuch bhi nahi kar raha hai kyunki sawal jo honge common aadmi ke honge, jawab bhi common aadmi ke honge. Main sirf beauty ke liye hu show ke andar. मेरी उम्र ऐसी हो चुकी है कि आराम से अच्छा काम मिले तो मैं इसी को फोन करके ये बोलता हूँ यार आराम वाला काम दो यार, आराम से आऊँ, सोता रहूँ, सुंदर लगूँ। सिद्धार्थ भी कहता है लाइनें वाइने सिखानी पड़ती हैं, चुपचाप से खड़े हो काम करो घर जाओ। तो मैं सिंपली आऊँगा, थोड़ा सा काम करूँगा, थोड़ा सा हंसाऊंगा, थोड़ा सा जोक करूँगा, बट आई विल मेक श्योर दैट यू हैव लॉट ऑफ फन, क्योंकि मार्च से इंशाल्लाह एन टी वी पर आने वाला है इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। एंड आई लाइक टू स्टार्ट दिस टुनाइट विद ऑल द जर्नलिस्ट, ऑल द पीपल हु आर हियर टू रिपोर्ट, ऑल द पीपल ऑफ द मीडिया, बिकॉज वी ऑल हैव ग्रोन टुगेदर फॉर इयर्स। सो मैं सवालों के लिए कुछ एक बोल है मेरे पास, मैं आप में से किसी को चूज करूंगा, आए और गेम में ऐसे ही समझाऊंगा। पहले मैं पीली चिट उठाता हूँ, रैंडमली है तो प्लीज मैं थैंक यू। सो पहला नाम यहां पे आया है उर्वी, बिजनेस स्टैंडर्ड। मेरी आंखें खराब नहीं है, हैंड राइटिंग खराब है। उर्वी, उर्वी वुड यू लाइक टू गेट अलॉन्ग समवन विद यू, थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये गेम जो है पेयर्स में खेला जाएगा जब हम ये खेलेंगे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ उर्वी, उर्वी फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। माइक्रोफोन ले आ देंगे प्लीज। और भी आप बिजनेस स्टैंड में काम करती हैं? या। एंड उर्वा आप कहाँ काम करते हैं? सॉरी गौरव आप कहाँ काम करते हैं? मैं टेलीविजन पोस्ट, televisionpost.com। ओके आप दोनों दोस्त हैं? जी। शादी करने वाले हैं? जी नहीं। राखी बांधती हैं? जी नहीं, जरूरी नहीं है। चलो इस बारे में अभी बात नहीं करता, मैं तुम्हें गेम बताता हूँ क्या करना है। वैसे तुम ब्लश करने लग जाओगे गौरव। Okay, you enjoy your job? Yes, very much. It's fun to do what you're doing? Very much. You like your job, writing about business and stuff? Love it. Yeah, you like games, game shows? Yep. तो ये बड़ा सिंपल सा गेम शो, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं होने वाला। मैं तुम्हें साइड में लेके जाऊंगा क्योंकि हमारा सेट भी तकरीबन ऐसा होगा। इस साइड आ जाओ थोड़ा सा उर्वी एंड उर्वा। यहाँ पर कॉमन लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि आम आदमी जो है आएगा यहाँ पर और आपको मौका मिलेगा। ये सब तस्वीरें जा रही हैं, इनमें से किसी भी इंसान को चुन लो, ये बाबा जी को चुन लो, ये बेबी को चुन लो, ये दूसरी वाली बेबी को चुन लो, ये वाले लड़के को चुन लो जो बड़े रिलीजियस लग रहे हैं, तो इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं आप जो यहाँ पे लोग आएंगे। ये आपसे एक सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना, बड़ा सिंपल सा है, रोजमर्रा की जिंदगी से सवाल होगा, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इनमें से उर्वी एंड गौरव किसको चूज करना चाहेंगे? सरदार जी हैं, ये पहलवान साहब टाइप लग रहे हैं मुझको, ये मेरे घर के सामने बैठी हुई हैं। नहीं आप लोग डिसाइड कर लो, थोड़ा उधर मुंह देखो या शक्ल दिखाओ, नहीं तो टीवी भी नहीं आओगे तुम दोनों। लास्ट चांस है तुम्हारा टीवी पे आने का, यहाँ खड़े हो अभी चूज करो। सरदार जी अच्छे जी। भाई व्हाई वुड यू चूज सरदार जी, क्या लग रहा तुमको सरदार जी? क्यों बड़े दिल फेक टाइप होते हैं, बड़े खुश मिजाज होते हैं सरदार जी, सही है ना? हां पक्का उर्वी को लकी होते हैं? हैप्पी को लकी होते हैं। तुम्हें लगता है आसान सा सिंपल सा सवाल पूछेंगे? शाने तो बनना है ना? हाँ तुम्हें शाना बनना है। और भी तुम्हें क्या लगता है चॉइस ठीक है कि इसके बाद गौरव से बात नहीं करोगी सवाल सुनने के बाद? नहीं वो तो पिटता रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है उसके, उसका है ऐसा, गलती करता रहता है ऐसे। तो देखते हैं कि जो हैप्पी गो लकी सरदार जी हैं इनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। कैन वी हियर द सरदार जी? और ऐसा ही होगा गेम के अंदर कि ऐसे ही कॉमन लोग और ये जेन्युइनली कॉमन लोग रैंडमली पूरे इंडिया में सिद्धार्थ और उनकी टीम ने, बिग सिनर्जी की टीम ने और एन टीवी की टीम ने ऐसे ही जा के लोगों से सवाल पूछे और कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकता है और उसका जवाब हमारे जो शान पट्टी दिखाने के लिए आए हैं उनको देना पड़ेगा। सरदार जी की इंट्रोडक्शन दें, कुछ बताएं अपने बारे में। सरदार जी कितने हैप्पी को लकी हो तुसी? सत श्री अकाल सर, मुझे आपका नाम बताइए, आप कहाँ पर रहते हो और आप क्या करते हो? मेरा नाम प्रकाश सिंह जेठुवालिया है, मैं आरसपुरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक एक गाँव है कलोई, मैं वहाँ पर रहता हूँ जहाँ पे इन दिनों फायरिंग वगैरह चलती है और अभी मैं टैक्सी स्टैंड पे
टैक्सी चलाता हूँ। ओके, और इससे पहले आप क्या कर रहे थे सर? इससे पहले मैं इंडियन आर्मी में था, पंजाब रेजिमेंट 26 पंजाब मेरी यूनिट का नाम था। आपका सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल है, हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन में जय हे कितनी बार आता है? ओ हो हो, अभी लग रहे हैं हैप्पी गो लकी की नहीं, तेरे को बताऊं तू ना हैप्पी लग रहा है ना लकी लग रहा है। 52 सेकंड दे दो, बता देता हूँ। 52 सेकंड नहीं, अगर तुम लोग गिनना चाहो डिस्कस कर लो। उर्वी जो है तुझे बहुत पीटेगी, जैसा उसने कहा बिल्कुल उसे लग रहा है इसको क्यों चॉइस दिया, इसको क्यों चॉइस दिया। देखो ला 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 48 49 50 51। वहां ऐसा तंग नहीं करूंगा, गेम के तो कहां जा रहा है, यहां खड़ा रहे, घर जाने के लिए रखिए। गिन जल्दी गिन, बोलो ना उसको, हेल्प हिम विद इट। वुड यू गाइस लाइक टू एक्चुअली डू द नेशनल एंथम एंड देन फाइंड आउट? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हाँ तो I repeat the question to you, हमारे राष्ट्र गान में जय है कितनी बार आता है? I know मैं थोड़ा इरिटेट कर रहा हूँ कि मुझे पता है, गिनने दे बाद में।